इंदौर में बाइक सवार बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक तहसीलदार का मोबाइल बाइक सवार एसपी के बंगले के सामने से ही छीनकर फरार हो गए। दरअसल मामला संयोगितागंज थाना क्षेत्र के पांच इलाके रेसिडेंसी स्थित एसपी के बंगले के सामने तहसीलदार चरणजीत सिंह फोन पर बात करते हुए टहल रहे थे, तभी अचानक दो बाइक सवार बदमाश आए और पलक झपकते ही तहसीलदार का मोबाइल लेकर फरार हो गए। तहसीलदार चरणजीत सिंह कुछ समझ पाते इससे पहले बाइक सवार मौके से फरार हो चुके थे। अब घटना की जानकारी हालांकि आला अधिकारियों को दे दी गई है, जिसके बाद थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। चरणजीत सिंह हुड़ा सर, बताइए क्या घटना हुई थी? कुछ नहीं, मैं लगभग अभी 8:15 बजे के आसपास ऑफिस से आया था और ऑफिस से आके SDM सर से बात कर ही रहा था। लगभग 8:30 बजे की घटना थी। जो SP साहब का बंगला था, यूसुफ कुरैशी साहब का, उसके सामने मैं मतलब बात कर ही रहा था वहाँ से, तो अचानक पीछे से दो बाइक सवार आए और जैसे पीछे से पकड़ के एकदम हाथ से खींचते हुए, जब तक मैं गाड़ी नंबर देख पाता हूँ, तेज़ी से PSC ऑफिस से भगाते हुए मूसा केड़ी की तरफ मुड़ गए थे। कितने लोग थे सर बाइक? दो लोग थे बाइक पे जी। कौन सा मोबाइल था सर आपको? सैमसंग गैलेक्सी A31। नहीं, अभी तो मैंने रिपोर्ट लिखा दी है, रिपोर्ट लिखने की कार्रवाई चल रही है। चरणजीत सिंगुड़ा, तहसीलदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।